हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 बेस्ट साईफाई मूवीज़ के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया हुआ है साईफाई मूवीज़ के ऊपर, तो अगर आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। इसका सेकेंड पार्ट बनाने का रीज़न यही है कि बहुत सारी साईफाई जैनर की मूवीज़ रह गई थी जो मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड करी हैं। तो ये जितनी भी मूवीज़ है बहुत ही तगड़ी हैं, बहुत ही प्यारी हैं, आपको इनको देख करके मज़ा आ जाएगा। उससे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो को देखने में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो यार, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दसवीं मूवी है ब्लेड रनर। साईफाई लवर्स के लिए मस्ट वॉच मूवी है ब्लेड रनर 2049। सीक्वल है 1982 में रिलीज हुई ब्लेड रनर की। मूवी के सीन्स काफी ज्यादा कैची हैं, इसीलिए इसे सिनेमेटोग्राफी और VFX में एक एक ऑस्कर भी मिल चुका है। अगली मूवी है माइनॉरिटी रिपोर्ट। स्टीवन स्पिलबर्ग डायरेक्टेड माइनॉरिटी रिपोर्ट 2054 की स्टोरी दिखाती है, जिसमें म्यूटेंट लोगों का इस्तेमाल करके प्री क्राइम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वक्त से पहले ही क्राइम होने के बारे में पता लगा लेता है। आठवें नंबर पे आती है टुमारोलैंड। फिल्म की शुरुआत होती है कैसी नाम की एक कैरेक्टर से, जो कि एक आम लड़की है, पर उसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब उसे एक पिन मिलता है जिस पे टी लिखा होता है। उस पिन को छूने से वो पहुंच जाती है एक अलग ही दुनिया में। उस दुनिया को अच्छे से जानने समझने के लिए कैसी क्या क्या करती है मूवी में दिखाया गया है। सातवें नंबर पर आती है हर, जो रिलीज़ हुई थी 2013 में। अपने ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर जीत चुकी है फिल्म आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं या लोगों से ज़्यादा आप अपने फ़ोन को टाइम देते हैं, तो ये मूवी आपको गिल्टी प्लेजर देगी। सिक्स प्लेस पे आती है डिस्ट्रिक्ट 9, जो रिलीज़ हुई थी 2009 में। आपने एलियंस पर बनी बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें इंसानों को एलियंस से ख़तरा होता है, पर इस मूवी में एलियंस को इंसानों से ख़तरा है। डिस्ट्रिक्ट 9 एक एक्शन पैक मूवी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगली मूवी है अलीटा द बैटल एंजल, जो आई थी 2019 में। फिल्म में दिखाया गया है कि एक डॉक्टर को कचरे के ढेर में से एक फीमेल शेप में रोबोट मिलती है। डॉक्टर उसे ठीक कर देते हैं और उसका नाम रख देते हैं अलीटा। अब अलीटा के पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हज़ारों साल पहले ख़त्म हो चुकी है, उसी का इस्तेमाल करते हुए अलीटा को इस मूवी में दिखाया गया है। फोर्थ मूवी है पैसेंजर्स, जो रिलीज़ हुई थी 2016 में। मूवी में एक बहुत बड़े स्पेस शटल या कह सकते हैं स्पेस स्टेशन को दिखाया गया है जो एक जर्नी पे है। वो जर्नी काफ़ी लंबी है, इसीलिए जितने भी पैसेंजर्स उसमें हैं उन सबको सुला दिया जाता है बहुत ही लंबे टाइम के लिए। पर उसमें दो पैसेंजर्स उड़ जाते हैं किसी मेल फंक्शनिंग के चलते हुए, उसी के ऊपर मूवी बेस्ड है। थर्ड मूवी है टर्मिनेटर 2। अगर आप आर्नोल्ड के फ़ैन हैं तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप आर्नोल्ड के फ़ैन नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, ये मूवी देखो, आप उनके फ़ैन ज़रूर बन जाओगे। इस मूवी ने कुल 3 ऑस्कर जीते हैं, चाहे वो साउंड हो, VFX या मेकअप। ये मूवी अपने एक्शन के लिए एक माइलस्टोन मूवी मानी जाती है, इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। सेकेंड मूवी है चिल्ड्रन ऑफ मैन, जो रिलीज़ हुई थी 2006 में। जितनी तेज़ी से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज कम होती जा रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और सब एक दूसरे को छोटी मोटी चीज़ों के लिए ही मारने लगेंगे। वैसा ही कुछ दिखाया गया है इस ऑस्कर विनिंग मूवी में। सो गाइस, फाइनली हम आ गए हैं अपनी पहली मूवी पे, जो है स्पेस ओडिसी 2001। स्टेनली क्यूब्रिक डायरेक्टेड स्पेस ओडिसी ने न जाने कितनी साईफाई मूवीज़ को जन्म दिया है। अगर स्पेस ओडिसी ना होती तो स्टार वॉर्स जैसी मूवीज़ भी कभी नहीं बन पाती। ये मूवी साईफाई जॉनर की सबसे एपिक और सबसे खूबसूरत मूवी है। इसकी स्टोरी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। सो गाइज, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा यार कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। आज का लाइक एम है हमारा 50, तो 50 लाइक आ जाने चाहिए यार। अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा तो लाइक कर दो यार, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आखिर में एंड स्क्रीन में एक आएगा गोल बटन, उस पर आप क्लिक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब हो जाओगे। तो चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।